नमस्कार न्यूज एट नोडिया स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम माई डॉक्टर को आपण मानको स्वागत करुछि मु बंदिता। कोरोना सह दीर्घ डेढ़ वर्ष रु अधिक समय लड़े पर भी एमती बहु प्रश्न आम समस्त मन में अच्छी जार उत्तर आम समस्ते खोजुच बहुत द्वंद्व रही तेरे एवं भी कोरोना किसी सचेतन ना जो मान अवहेलाई अं मान प्राण संकट पड़ जाऊँगी प्राणघाती तेरे भाईरस रूप पर बहुत समस्या एवं आम सामने अच्छी सेमती किसी समस्या नहीं आज करवा आलोचना। कोरोना समय किपर निजे निजक अन्य मानक सुरक्षित रखिबे से नहीं उणा अधिक समस्त जना किंतु केते संदेह आज भी आपण मनरे अच्छी जहार उत्तर आम समस्ते खोजुछु एबे वैक्सीन नेबा परे भी बहु द्वंद कहीं प्रथम डोज वैक्सीन परे जो कथा कहला कि द्वितीय डोज वैक्सीन नेबा बाध्यतामूलक किंतु द्वितीय डोज वैक्सीन नेला परे भी प्राय संक्रमित सामना को आसछन्ते एवं मृत्यु मध्य सेमती नजर को आसुछि सेमती किछि प्रश्न एवं समस्या जहाँ आपणकर मनरे अच्छी आपण सीधा सड़क कॉल करि पारिबे नंबर दुईटी आपण को कहि रखुछि 7444050110 एवं 0674260145 ए दुईट नंबर रे कॉल करके आपण सीधासळख कथा होई परबे। आम सहित वर्तमान स्टूडियो रे उपस्थित अछंती वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सूर्यप्रकाश एस चौधरी सर आपनको स्वागत करछु न्यूज एट नोडिया को। कोरोना को नहीं जो द्वंद नहीं कि आज आम आलोचना करने को जाऊे दीर्घ डेढ़ वर्ष है आम ये संघर्ष ये लड़े कोरोना महामारी सह जारी रखीचे किंतु सर वर्तमान देखा गले डेढ़ वर्ष पर आम के सचेतन देखु सचेतन तो मुपूर्ण अच्छी बोली कहीपरिनी एवं जहाँ आज आप टपिक रखिंट चकमा दे भाईरस यहाँ गोटे निहाती भाव गोटे भल टपिक चकमा भाइरस दौर आग को देव कहीं ना यहाँ हूँ गोटे भाईरस प्रपर्टी कि गुण आम जाचे कोविड भाइरस गोटे हूँ आरएनए भाइरस और विभिन्न प्रकार प्रोटीन यार भाइरसटा तैयारी होता है तेणु जितेबाला भाइरसटा समय गढ़ी चले धीरे धीरे फेज व्वज पैंडेमिक वेव गढ़ी चले तो भाइरस प्रपर्ट कि गुण हूँ से निजुक भी परिवर्तन कर समय हिसाब से खाप खाई चलवा लगी कि विश्व में निजर काय विस्तार करने कि बचवा लगी से निजर जो म्यूटेसन कै कि नुआ नुआ रूप आने से भारीएंट बोली कही था जो भाइरस गोटा म्यूटेसन होता है नुआ भारीएंट या तो से तार विभिन्न प्रकार रूप चेंज होता है जथा मुझे भाइरस जो भाइरुलेन्स रहा तार जो कैपेसिटी रहा पावर से चेंज होता है ट्रांसमिशन करने कौ रूप से ट्रांसमिशन कर प्रथम जानते ये आम श्वास नली द्वारा कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट खास छिंक द्वारा ट्रांसमिशन होता है कि परवर्त मुद्रे से भी चेंज होते मात्र रोग कर सीभर रोग कर एवं वैक्सीन की केते दूर मात दे पार वैक्सीन जी इफेक्टिव हुए तो नुआ म्यूटेंट नुआ भाइरस इफेक्टिव न हो पारे एवं ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस जहाँ नुआ नुआ ट्रीटमेंट आसू भी रेजिस्टेंस हो पारे एवं आम जो डायग्नोस्टिक्स टेस्ट सब करे भाइरस को धरवा लगे जानवा लगे से भी मात दे पारे तो एमती विभिन्न प्रकार तार भाइरलेन्स टू आरंभ कर डायग्नोस्टिक्स टेस्ट ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस वैक्सीन रेजिस्टेंस विभिन्न प्रकार प्रॉपर्टी चेंज हुए यहाँ गोटे स्वाभाविक कथा सब भाइरस गोटे स्वाभाविक कथा यहाँ कंटिन्यूअसली चेंज हो केते दिन केते वर्ष चेंज हम से कहवा कष्टर जे पर्यंत गोटे भाइरस गोटे एंडेमिक स्टेज को न आसी से पर्यंत रूप परिवर्तन एवं जे पर्यंत भाइरस रूप परिवर्तन कर समस्त मन डर रहा स्वाभाविक छानिया हाबाटा स्वाभाविक आमे भी डरुचु आमे भी व्यस्त विव्रत हो कौन भाइरस कौन तार रूप रोज केमी आम स्टडी करूँ और लोक मैंने भी से व्यस्त हो स्वाभाविक किंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण जिनस हूँ आम कमी सचेतन रहा जदि भाइरस म्यूटेसन होटांट हो भारीएंट होती आम लड़ा ता सहित लड़ापी आम निजी केमी सचेतन करवा तेणु लड़ापी ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन छड़ा सबुठ इम्पोर्टेंट हूँ प्रिभेनसन आम बारंबार कही आसे जेकोसी भी रोग हो तार सबुठ मूलमंत्र है प्रिभेनसन इज बेटर दैन क्योर की ट्रिटमेंट आम चेष्टा करवा केमी भाइरस निजी को संक्रमित न करवा लगी तो से जदिव कही देढ़ वर्ष ऊर्ध गला लोक मैंने बहुत किसी सचेतन है कि सतर्क हो गले तथापि कौटिना कौटी लोक मैंने अवहेला करामख्याली होती जो भी भाइरस पुणी एवं बढ़ी चलू कि राज्य बढ़ी जाऊँच कि जो माने अवहेला करते अन्य माने आक्रांत होती परवर्त समय प्राणघाती सब्यस्त अधिक आलोचना करने सर जन कलर अच्छा शीतल साहू कल कर अनुगुल रु आज्ञा कहतु कौन आप प्रश्न अच्छी हेलो हेलो आज्ञा कहतु सर मतलब आगो तो मुझे तो हेला भल हेलानी तपर मेडिसीन देखना खाला मुझे खाद्य खाई पार नी मोर सब
মানে খাদ্যটা চাপড়েলা মানে মানে মুন্ড হয়ে যায় মু গিড়ি পারে গিড়ি পারন্তিনি আজ্ঞা তারপরে মেডিসিন খাইবারু মানে ডক্টর দেখাইছিল পরে দেখাইছিল পরে তারপরে হেডু ফোন খাইলি তারপরে খাদ্য খাইলা পরে তারপরে নাকরে নিঃশ্বাস গলা নিঃশ্বাস ঠিক যায়নি সে পুনি নাক পাই মেডিসিন খাইলি তারপরে সেটা ঠিক হেলা এবে সকাল যদি উঠিলি খালি যদি শুয়ে দাঁত ঘষবা গেলে বি যদি অনিঃশ্বাস লাগুছে माने सर वर्तमान जो जत्ते गुड़िए तांकर असुविधा कथा कहउछंती किछि ना किछि परिवर्तन होउछि किंतु असुविधा कंटिन्यू करउछि कोरोना रु मुक्त हला परे निश्चिंत भावे एटा को जहाँ आमर महिला जनक वर्णना कले कि असुविधा रोचे यू आम गोटे पोस्ट कोविड सिंड्रोम कही था कि पोस्ट कोविड कम्प्लिकेसन आम जाचु कोविड है कोविड संपूर्ण सुस्थ है भी लोक थका लगे दीर्घ दिन धरी शिथिल लगे निश्वास ना असुविधा हाँ छाती में जंत्रणा अनुभव होगा देहटा सब पीड़ा पीड़ा अनुभव रहा फैटिक होगा कम कर इच्छा न होगा डिप्रेसन रहा अलग प्रकार साइकोलोजिकल जिनस भी देखा था तो यहाँ गोटे पोस्ट कोविड कम्प्लिक विभिन्न जगार एटा तीन मस पर्यंत रही है और ए नुआ स्टोरी जना पड़े छः मस पर्यंत रही पारे जो नुआ भारीएंट कि नुआ जो म्यूटेसन आसूँ तेनाली आपको यही आप असुविधा लगूँ आपड़ कॉविड संपूर्ण भल हो सारी प्रथमतः आम जांच कराई ना का कि पोस्ट कॉविड कम्प्लिकेसन जो आम बारंबार आगु कहीचे जितने कॉविडटा प्रथम थी गोटे श्वासनली रोग कि निमोनिया जनित रोग कि परवर्त मुहूर्त से विभिन्न शरीर अलग अर्गान को भी आफेक्टेड करवर्त मुहूर्त निमोनिया हेला ब्लड कोआगुलेसन कर ब्लड क्लटिंग ब्लड टाक जमाट कर हार्ट हो किडनी हो ब्रेन हो एगुड़ा को भी संक्रमित करुच्ची ये अर्गान भी डैमेज होने प्रथम आपन को प्रथम टेस्ट करवाक पड़ो कि आपंक लंग्स किसी कम्प्लिकेसन रही जाए कि जोटा आम पोस्ट कोविड फाइब्रोसीस् कहूँ कि आपंकर आउ किसी जगार जो डी डायमर हो कि अधिका रही कि ब्लड क्लटिंग करार कैपेबिलिटी एवं भी अच्छी से टेस्ट कलापर आम ट्रिटमेंट आरंभ करवा कि जहाँ भी हेल्ले आपन को धीरे धीरे एक्सरसाइज आरंभ करा पड़ो मुख्यतः मुझे कह रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज जो रोज कार्डियक एक्सरसाइज आरंभ करा पड़ो आप प्रॉपर रेस्ट नियंतु पानी पियंतु और प्रोटीन विटामिन युक्त खाद्य खातु ये सब जिन ध्यान देवा पड़ो ये जिनस आहरी लगे कि भी रही पाए कि प्रथम है आप डाक्तर को साक्षात करूँ टेस्ट कर सब प्रक्रिया आरंभ करूँ निहाती आज जे कलर अच्छा सुभाष बाबू कल करमाड़ आज्ञा कहतु कौन जानवा को चाहते आप हेलो नमस्कार अज्ञा कौन तो सर नमस्कार नमस्कार सर सुभाष को जे नेमाल ओडिंग करू सर सर एक्चुअली फर्स्ट लहर रे भी मते टिके अफेक्ट करथला कोविड पॉजिटिव आसला सर सेकंड लहर रे भी सर कोविड पॉजिटिव आसला आउ सर एबे सर माने प्रति 2 मास कि मास को 15 दिन भीतर सर एम दी शरीर पर पूरा वीक लागो जी पूरा पूरा सर दुर्बल हो को जी हेडक हो जाउ जी हुई माने पूरा काम करे सर इच्छा होनी सर पुणी थर्ड लहर की सर भारी भय लगुच सर सर एक्चुअली जो टिके टिके दुर्बल लगुच कि मैंने मुंड मुंडा हेडाक हो सर ये कौन तार लक्षण ना आउ आम साधारण जमी दर संदा काश हुए सही टाइप ना तार लक्षण सर टिके टिके इफेक्ट पकाउ निहाती भाव सुभाष बहुत भल प्रश्न पचारे और आमर भी आलोचना विषय वस्तु यहाँ जे आम केमी जानवा आपण को जो बारंबार ज्वर थंडा खास होटा कोविड लक्षण किंवा आमर सिंपल कॉमन कोल्ड किंवा फ्लू लाइक सिंड्रोम हो पारे देखो कोविड 19 जोटा कोविड वायरस पे होता है फ्लू लाइक सिम्टम्स जो फ्लू सिंड्रोम आम कही जोटा कि इनफ्लुएंजा भी होता है और कॉमन कोल्ड जोटा कि राइनो वायरस पे होता है तीनोटी एक टाइप रोग किंतु अलग अलग भाइरस होता है कारण सब अलग अलग भाइरस किंबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मुख्यतः मुझे यही सब तीनो रोगर प्रारंभिक लक्षण सब एक टाइप जथा आप ज्वर हवा थंडा खास तंटी दर्ज रहा गतगत हवा नाक जाम रहा पा बाहर प्रायतः आप फ्लू हो कॉमन कोल्ड हो कि कोविड देखाई थाए कि कोविड 19 आम केमी जानवा आपण गोटे खास लग अत्यधिक ड्राई कफ लग रहा एत मात्र रही कि आम देखीचु कोविड भल है भी लोक मूँ खास लग रहा बहुत शीघ्र आपको अलग सिम्टम्स देखा जथा छाती पेन हवा झाड़ा हवा बांति हवा आजिकाली आम नुआ देखु स्किन्रे आपंकर रिएक्शन होली दाग देखा राशेस हो
कंजक्टिवाइटिस आखि इनफेक्शन भी होपे तो एगुड़ा सब कोविड्र एवं आपण जो टेस्ट है कि स्मेल स्वाद कि सुंघार शक्ति भी आपको नष्ट हो जाए तो एगुड़ा चार पांचटी मेन फैक्टर रहा जोटा कि आप कमन कोल्ड कि जोटा फ्लू सिंड्रोम से पार्थक्य डिफरेन्सटा करें कि कहि आपको जहाँ भी होदि कौन मुहूर्त ज्वर थंडा खास नाक बंद यू सिम्टम देखा तो आप यथाशीघ्र आसिक हस्पिटाल टेस्ट कराई नि आम जिते शीघ्र टेस्ट करवा कि जिते शीघ्र रोग निरूपण करवा से हिसाब से आम ट्रिटमेंट आरंभ कर जो कौन भी रोग होता है से ट्रिटमेंट करवा कि डिले करदे कोई भी फ्लू कि आपंकर कमन कोल्ड में सीरीयस न हुए कि कोविड्र बहुत कैपासीटी अच्छी यथाशीघ्र से लंगसटा को भी अफेक्ट कर बहुत मात्रा डैमेज कर दिए आम आगे जानूल प्रथम सप्ताह पर सत कि दस दिन पर लंगस डैमेज हुए कि प्रमाण पाऊे चौबीस कि अड़चाई घंटा भितर लंगस एत मात्र डैमेज हो कि लोकों गोटे दिन दि दिन ऑक्सीजन सैचुएसन चालीस पचास पड़ा सीरीयस भेन्टिलेटर मैंने जिते जल्दी से जानते तुरंत ही चिकित्सा आरंभ करदे आवश्यकता रही है डाक्तर परामर्श क्रमे नि आलोचना आगे ना कि आज जो कलर अच्छा बबलू कल कर ढेंकानाल कहतु आप प्रश्न कौन अच्छी हेलो आज्ञा कहतु हाँ मैडम ये जो आम जो टीका सेकेंड डोज नहीं सारे डोज प्लस सेकेंड डोज हेलो आज्ञा आज्ञा मैंने तापर आम मानते सचेतनता आमको तो लगुच तेनाली जो मन में धारणा आम द्वितीय डोज कम्प्लीट कर मैंने तापर सार कौन कि कह ठीक ना कमी कौन ना से एक सचेतना जो नबु ताल कमी कौन आम टीकार किसी प्रभाव ना ना कौन से जानवर अच्छे देखु बबलू बाबू आप जहाँ क्वेश्चन पचारे समग्र राज्यवासी देशवासी मनरे यहाँ सन्देह जे आम टीका नेलु दुईटा टीका नेलु टीका नेलापर आमको कहीं सचेतन रहा पड़ू देखो प्रथम मुझे गोटे जिनस डाक्तर हिसाब से मेडिकल साइंस रिसर्चर हिसाब से मुझे कह गोटे टीका या लगे आमको पांच वर्ष ऊर्ध समय लगी थाए सात वर्ष दस वर्ष लगी थाए क्या जो टीकार ट्रायल पर्यायटा से लंबा थाए जो चारिटा फेज आम जाऊ गोटे गोटे फेज बर्षे बर्षे लगे कथा किंतु आम चारिटा फेज ट्रायल गोटे टीकार कम्प्लीट है आम बर्षे भितर काढ़ुचे तो गोटे न्याचुराल जिनस जो जिनस को आम पांच वर्ष या कथा बर्षे या केवल सेत एफिकासी हम ना यहाँ भी आम कहूचे रिसर्च समय जेकोसी भी टीका कर सारा विश्व में जिते भी टीका आसी कौन टीका 100% इफेक्टिव नुहे किए 70% किए 80% किए 90% इवि 90% रु ऊर्ध इफेक्टिव हाँपी भी बहुत कंपानी मैंने कुंठाबोध करेणु आम गोटे जिन जाना टीका नेला आम देह इम्युनिटी या बडी आम सेफ रोचे आम बडी से इम्युनिजेन्सी आंटीबॉडी या रोग को फाइट करने तेणु टीका नेला नुह कि आप संक्रमित हे आप संक्रमित हो पारे किंतु सीरियस रोग कि सीरीयस रोग अगेस्ट यहाँ 90% कि 100% इफेक्ट मैंने आप रोग ये सीरीयस हेनी कि आपको हस्पिटालाइजेसन हो भेन्टिलेटर हो मोर्टालीटी एसब कम्प्लिकेसन कमिज तेणु आपल से भूल धारणा रही कि आम टीका ने संक्रमित हवानी बोली तेणु आप टीका नेला भी आपको से सतर्क सचेतनटा कि जो SMS फर्मुला रही सोशल डिस्टेंस मास्क पिंधा बारंबार हाथ धोवा से जिनस भी आपको मानवाक पड़ो जथा आप एक्जाम्पल देखते भुवनेश्वर में अत्यधिक सर्वाधिक लोक टीका नहीं सारी किंतु एबे भी भुवनेश्वर सर्वाधिक लोक कोविड संक्रमित होती तेणु टीका नेला भी आपको नियम मानवाक पड़ो टीका नबार टीका ने आपड़ प्रोटेक्टिव रे आपको सीरीयस डिजीज हेनी तर सबुठ मुख्य जिन टीका देवर जो आम टीका बेसी लोक देदेले आम जो गोष्ठी संक्रमण कि जो कम्युनिटी स्प्रेड रोज ट्रांसमिशन से बहुत मात्रा अटकी जदि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अटकी स्प्रेड अटकी तो लहरीर जो पैंडेमिक जो लहरी आसूसी से भयटा रही तृतीय लहरी आशंका रोज से रही कम्युनिटी ट्रांसमिशन कमीगले जो अत्यधिक लोक टीका हर्ड इम्युनिटी हेले धीरे धीरे डिजीज एंडेमिक आउ एत विपद रही ना टीका जदि नेउछंती टीका परे भी आपण खामख्याली होंतु नाही कि आमको आउ कोरोना हेबो नाही आपण को जहाँ भी गाइडलाइन रही जो नियम रही कोरोना को प्रतिहत करने से नियम को कड़ाकड़ी भाव मानवार आवश्यकता रही अधिक आलोचना करवा जो कलर मान मन में प्रश्न रोचे से सीधासख कल कर निज प्रश्न विषय में सारों परामर्श नहीं पारे कि पूर्व गोटे छोट विरती नहीं जा विरती पर पुणी जल्दी आसवा आलोचना को विरतपुर स्वागत माइ डॉक्टर कार्यक्रम को आलोचना को जीवा पूर्व जड़े कलर अच्छा दीर्घ समय धरी कौन तर समस्या रही है से नहीं कि सर आलोचना करने आम सहित अच्छा वर्तमान सालेपुर रो कॉल कर ज्योति कॉल कर ज्योति कौन आप प्रश्न अच्छी पचारतु मैडम नमस्कार सर नमस्कार
सर मोर प्रश्न ये कि आमे मोर जन संपर्क आम दि जन जाक सांग फर्स्ट डोज नेलु सेकंड डोज नेलु सर वैक्सीन तो ये अल्प किसी दिन हम तार हटात एमती थंडा ज्वर है टेस्ट करूँ कोरोना पॉजिटिव बाहर तो दुखर विषय से डेथ हो गला तो मो मन ये सन्देह आसू कि वैक्सीन ता जगह ठीक अच्छी ना कोरोना रो माने जो भाईरस प्रभाव बढ़ी जाए देखो एक्जाक्टली आम यही कथा आलोचना करू वैक्सीन नेला द्वितीय डोज नबार 15 दिन मासे परे आपण देरे सेतिकी एंटीबॉडी तैयारी हुए जोटा कि कोरोना विरुद्ध लड़ाई करिपार जदि आपण कोरोनार द्वितीय डोज नेला 15 दिन भितर संक्रमित होती तो कोई मोमेंट भी आपड़ सीरीयस हो पारती 15 दिन पर एंटीबॉडी तैयारी था कोरोना विरुद्ध आप लड़े करें कि जो रोग सीरीयस हो मोर्टालिटी कथ कौन डेथ होगा से बची पारती कितु आपको एम डिस्कसन कले कोविड दुईटा एक टीका नेला इभन तार मसे पर आपड़ जो सफिसीयंट एंटीबॉडी तैयारी है भी आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको मानिया पड़ो जो आपड़ नियम उल्लंघन करेंगे आपको जहाँ भी हेल्ले संक्रमित होवार चान्स रोज एवं ता सहित एटा भी आम कहीपरि कि आप देहर सफिसीयंट एंटीबॉडी है आपड़े सीरीयस हेनी लोक सफिसीयंट एंटीबॉडी तैयारी है दुईटा डोज नेला भी लोक सीरीयस होती प्रमाण अच्छी कौन पर देहर अलग कोमॉर्बिडिटी थाए जदि आपड़ टीका नौकर आपड़ देहर 100 एंटीबॉडी तैयारी होती गोटे लोक जी कोमॉर्बिड अच्छी अलग किसी रोग अच्छी ताकि 60-70 एंटीबॉडी तैयारी हम तेनाली से सफिसीयंट हेनी कि रोग अगेंस्ट फाइट कि लड़े करने लगी तेनाली बारंबार उपदेश दिखाई आप दुईट जाक टीका नेला भी सबूत कोविड नियम मानतु एवं जब भी आप सिम्टम्स देखा दौर आप भावतुन कि मुझ टीका नहीं गली मुझ सेफ कि मुझ टीका नहीं जाइए मतलब कोविड हेनी कोविड टीका नेला भी सिम्टम्स है मात्र सांगे सांगे डाक्तर देखा करूँ जदि आप इनिशियल प्रोसेस ट्रीटमेंट आरंभ करेंगे टीका नहीं किसी एंटीबॉडी थी तो निहत भाव आप आरोग्य लाभ करें अच्छा डाक्टर चौधरी आम कते गुड़ी उदाहरण बर्तमान आम सामने आसला विदेश मानक जो मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट कर आरटीपीसीआर टेस्ट रे नेगेटिव रिपोर्ट आसुची किंतु परवर्ती समय लक्षण कंटिन्यू करुची आम देश में मध्य सेमती केतोटी उदाहरण सामना को आसला से क्षेत्र में कौन करा जिवो निश्चित भाव एकदम ठीक कथा कहले बहुत केस आम देखीचु जे लोकर आंटीजेन नेगेटिव आसूरी आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आसू से कोविड संक्रमित होती जमी किस समय मुझे कहली भाइरस जो म्यूटेशन हो जाए तर गोटे रूप परिवर्तन हुए से रूप परिवर्तन से विभिन्न प्रकार लुचखाड़ी खेले आम सहित किंवा आम मेडिकल साइंस सहित जमी मुझे कहली तार निजर वायरलेंस ट्रांसमिशन और डिजिजटा को बढ़ाया सहित केमती ट्रिटमेंट को से बाधा दब केमती जो डायग्नोसिस टेस्ट आम कर आरटीपीसीआर हो कि आंटीजेन हो से लुचि जीव जमी धरी पार्बानी तो ये भाईरसटा म्यूटेसन हो जाए तर जो जेनेटिक चेंज हो जाए आम जो आरटीपीसीआर कि आंटीबॉडी कि आंटीजेन जो तीन प्रकार टेस्ट करूँ भाईरस को धरवा लगी मुख्यतः आरटीपीसीआर कि आंटीजेन और सबूत आम गोल्ड स्टाणार्ड मानुले आरटीपीसीआर जोटा कि आम 100% कहते जहाँ भी हेल्ला भाईरस धरा पड़ कि किसी समय देखा जो डिजिजटा बहुत कमी जाए डिजिजटा बहुत कम रोचे से समय तार एत सेनसीटिव कि स्पेसीफिक ये रोनी सहित जो भाईरसटा चेंज हो म्यूटेसन हो तो जो सिक्वेन्स आरटीपीसीआर धरवा कथा से सिक्वेन्स जेनेटिक्स चेंज हो गला आम धरी पारने तो ये कौटि ना कौटे गोटे मन में डाउट आसवा कथा जे कौन पर आरटीपीसीआर नेगेटिव आसूँ तो से आम गोटे जिनोमिक्स स्टडी अलग म्यूटेंस आगे कराया पड़ो कि जदि आप आरटीपीसीआर नेगेटिव है आपको ज्वर थंडा खास लगी रोचे सिम्टम्स लगी रोचे तो आप भावतुन कि आरटीपीसीआर नेगेटिव है कोविड नुहे परवर्त मुहूर्त आम देखी लोक दुई थर तीन थर आरटीपीसीआर नेगेटिव है भी पॉजिटिव होती से केस होम आइसोलेशन कि क्वारंटाइन प्रिफरेबल रहिबो कि निश्चित भाव जदि आपको ज्वर थंडा खास अच्छी आप आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव अच्छी तथा भी सी कमन कोल्ड होता पचे आप होम आइसोलेस रहा 14 दिन निहाती दरकार 10-14 दिन जेपर्यंत आपंक संपूर्ण सिम्टम्स न कमी जदि तापर आप सिम्टम्स लगी रोचे आप निश्चिंत डाक्तर देखा करूँ कहीं आरटीपीसीआर नेगेटिव अच्छी अलग विभिन्न प्रकार टेस्ट अच्छी जोटा आज कल सीटी थोरास कराचे कि ब्लड जो डी डायमर सीआरपी टेस्ट कराचे जो इनडायरेक्ट एविडेंस मिल जाए कि हाँ को कोविड इन्फेक्शन होती जल्दी और आरटीपीसीआर नेगेटिव अच्छी तो से केस आउरी रिपीट आरटीपीसीआर टेस्ट करते ट्रीटमेंट आरंभ करता तेणु आपको जब सिम्टम्स ज्वर थंडा खास अच्छी निश्चिंत भाव में आरटीपीसीआर नेगेटिव थबा सत्वे भी आप होम आइसोलेसन रुहतु एवं जो मोमेंट आप सैचुरेशन कमुची आम जमी बारंबार एडवाइस करते घरे रेगुलर आप रेस्पिरेटरी रेट के मिनट को केश्वास नौकर सैचुरेसन रोचे ज्वर के रोचे दिन लगे
ରହୁଛି, ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହୁଛି, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାସ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ରେସ୍ପିରେଟରୀ 24 ଅଧିକ ରହୁଛି କିମ୍ବା ସାଚୁରେସନ୍ ଯଦି 94 କମୁଛି, ଏଇ ଚାରୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାଉ। ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଘରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିବେ 10-14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ହୁଏତ ଆପଣ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ନିହାତି ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଶେଷ କଲର୍ ପ୍ରକାଶ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ ଦେଖେଇଲା, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲା ନେଗେଟିଭ। ତାପରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ ହେଇକି ଭଲ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା କଫ ଟାଇପ୍ ର ଟିକେ ରହୁଛି, କଫ ଟାଇପ୍ ର ଦେଖଉଛି ତଣ୍ଟିରେ ଯେମିତି ଅଟିଗଲାର କଣ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖରରେ କିନା କରିଦେଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଳ ଟାଇପ୍ ର ବାହାରକୁ ପଡିଯାଉଛି। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ ସବୁ କଲି ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ରେ ଦେଖେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ ର ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନେଗେଟିଭ, ଆର୍ଟିପିସିଆର ପଜିଟିଭ, ଆର୍ଟିପିସିଆର ପଜିଟିଭ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନେଗେଟିଭ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିର ଖେଳ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ଲାଗି ରହିବ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାଇରସ୍ ହିଁ ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କୋଭିଡ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ରହୁଛି, ତ ହୁଏତ ଆପଣ ଧର ଏବେ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା କୋଭିଡ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖା ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗସ୍ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ କେସ୍ ଆମେ ସିଟି ଥୋରାକ୍ସ କରାଇଥାଉ, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି କୋଭିଡ୍ ହେଲା ପରେ ତ ଆପଣ ବଡ଼ିରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯାଉଛି, ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ ଲେଟ୍ ବେଶୀ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ୍ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଫେଜ୍ ସେ ଯେଉଁ 2-3 ସପ୍ତାହ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରହିଲା 3-4 ମାସ ଆହୁରି ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯାହା ଯେତିକି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତିକି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ପାଖାପାଖି ସେତିକି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଲାଗି ରହୁଛି, ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ୍ରୁ ଭଲ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇସାରିଛେ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଥାଏ। ବିଲକୁଲ ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ କଥା କହୁଛେ, ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ 80% ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା ପ୍ରବଣ ହେଇଗଲେଣି କିମ୍ବା ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ରହିଛି ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଗହଳିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିବା ବି ମୁସ୍କିଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ନ ଆସୁ କିମ୍ବା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନ ହଉ, କେମିତି ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନିବା ସହିତ, କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନିବା ସହିତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖା ଦେଉଛି କୋଭିଡ୍ର, ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ଖାସ, ନାକ ବନ୍ଦ ହେବା, ଦେହ ହାତ ପୀଡ଼ା ହେବା, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରୋଗର ବାହକ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାଲ ଲୋଡ଼ ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ 5-10 ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଭାଇରସ୍ ବାଣ୍ଟି ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ 5 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ହୁଏତ କିଛିଟା କୋମର୍ବିଡ଼୍ ଥିବ, କିଛିଟା ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିବ, ତ ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଭାଇରସ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ନ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠୁ କମ୍ ଭାଇରସ୍ ନେଇ ତା କିଛି କୋମର୍ବିଡ଼୍ ଥିବ, ସେ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମ ଦେହରେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କମ୍ୟୁନିଟି ସୋସାଇଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁ, ଆମକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହେଲେ, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେଲେ, 10-14 ଦିନ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି 10 ଦିନ ପରେ ଭାଇରସ୍ ବହୁତ କମିଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣ 10-14 ଦିନ ଯଦି ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା, ରୋଗଟାକୁ ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଲେ, ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରିକସନ୍ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ କି? ନାହିଁ, କିଛି ସେମିତି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ୱାଇଜ୍ କହୁ, ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ନାହିଁ ତ ଆପଣ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଫିଲ୍ ହେବ, ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା, ଖାସ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ତ ଆପଣ ଯାଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ସେମିତି ନାହିଁ କି ଜଣେ ଯଦି ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତା ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ଏମିତି ରୁଟିନ୍ଲି ରେଗୁଲାର ଚେକ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇପାରିବେ, ଏତେ କିଛି ପ୍ୟାନିକ୍
ହେବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। निहाति समय वर्तमान तो हाथ में अधिक ना तेज बहुत बहुत धन्यवाद डाक्टर चौधरी आम सहित आलोचन भाग नहीं थे गुड़े प्रश्नर उत्तर दे सामने परामर्श दे कोरोना समय जिते गुड़े द्वंद रोचे से सब द्वंद्व को आम कि समाधान करने को चेष्टा कर प्रथमतः आवश्यकता रही कौन सी प्रकार खामखियाली कि अवहेला करवा कथ नुहे जो कोविड्र आप्रोप्रिएट जो बिहेवियर अच्छी से सब बिहेवियर से सब नियम को कड़ाकड़ी ढंग से पालन करवश्यकता रही बहुत बहुत धन्यवाद सर तेज समय सारी माइंड डॉक्टर को ये रखुचु नमस्कार।